खूबसूरती और जाजिब नजरे की बात की जाए तो हॉलीवुड अदाकारा चार्लिस थेरोन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो 7 अगस्त 1975 को जनूबी अफ्रीका के इलाके बिनोनी में पैदा हुई। उनके कोई भाई बहन नहीं है, यानी ये कि वो अपने वालदैन की अकलौती औलाद थीं। उनका बचपन गुर्बत और पुरतशद्दुद माहौल में गुजरा, क्योंकि उनके वालिद नशे के आदि थे और अक्सर मैं नोशी के बाद माँ और बेटी पर सख्त तशद्दुद किया करते थे। एक दिन हालात इस नहज पर पहुंच गए कि उनकी वालदा ने तंग आकर अपने शौहर पर बंदूक तान ली। इस दौरान अचानक गोली चल गई और चार्लिस थेरोन के वालिद दम तोड़ गए। उनकी वालदा ने गिरफ्तारी के बाद अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि उनके शौहर नशे की हालत में उन्हें मारा पीटा करते थे और जो कदम उन्होंने उठाया वो अपने दिफा के लिए था। अदालती और कानूनी बारीकियों के बाइस उनकी वालदा पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए। बाद अज़ां वो अपनी वालदा के साथ जोहानिसबर्ग मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। अगरचा उनकी मादरी जबान अफ्रीकी थी, मगर उन्होंने जमाने तालिबिल्मी में ही अंग्रेजी जबान पर दस्तरस हासिल करनी शुरू कर दी। चार्लिस थेरोन को कई तिब्बी और सेहत के मसाइल का भी सामना है। चार्लिस थेरोन के 11 साल की उम्र तक दांत ही नहीं निकले थे और नौजवानी में एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल के बाइस उन्हें दांतों में बाज मसाइल का भी सामना करना पड़ा था। बर्लिन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी गर्दन के मोहरे हिल गए, जिसके बाइस उन्हें एक माह तक नेक ब्रेस पहनना पड़ा। जुलाई 2009 में उनके मैदे में खतरनाक वायरस का इंकिशाफ हुआ। फिल्म दी रोड की अक्सबंदी के दौरान वो अपना वोकल कॉर्ड जख्मी करा बैठी। चार्लिस थेरोन के अलावा उनकी वालदा ग्रैंडा मार्टिनीज भी नींद के मर्ज में मुब्तला थीं। वो नींद के हसूल के लिए अपने खाने में नशा आवर अशिया मिलाया करती थीं। बाद अज़ां जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो कड़ी तनकीद हुई, जिसके बाद चार्लिस थेरोन ने नशे से तोबा कर ली। उनके कैरियर में 1991 से 1996 का अरसा बहुत अहम ख्याल किया जाता है। चार्लिस थेरोन ने अपने फनी कैरियर का आगाज एक रक्कासा की हैसियत से किया और 16 साल की उम्र में वो मॉडलिंग का एक साला मुआहदा हासिल करने में कामयाब हो गईं। नशीली आंखों और कातिल अदाओं के बाइस उन्हें जब मुकामी सतह पर मकबूलियत मिलने लगी तो दूसरे ममालिक से भी उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स मिलने लगी। लिहाजा वो अपने रोशन मुस्तकबिल की खातिर अपनी वालदा के साथ इटली के शहर मिलान मुंतकिल हो गईं। उन्होंने यूरोप भर में एक साल तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में खूब मॉडलिंग की। वहां से उन्होंने अमरीका को अपनी नई मंजिल बनाया, जहां न्यूयॉर्क और मियामी में अपने ज्यादातर वक्त गुजारा। फिर अचानक उनकी दिलचस्पी बैले डांस में हो गई, जिसमें महारत के लिए उन्होंने शिकागो के जेफरी बैले स्कूल में दाखिला ले लिया। वो इस शोबे में महारत हासिल करके बैले डांसिंग को अपना कैरियर बनाना चाहती थी, मगर घुटने की चोट की वजह से ऐसा ना हो सका। 1994 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया। उनकी वालदा ने फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम बनाने के लिए वन वे टिकट खरीद कर उन्हें लॉस एंजलिस भेजा, ताकि वो वापसी का ख्याल अपने दिल से निकाल कर सिर्फ कैरियर पर फोकस कर सकें। उस वक्त चार्लिस थेरोन की उम्र 19 साल थी। चार्लिस थेरोन के लिए लॉस एंजलिस का शहर नया था और लोग अजनबी थे, लिहाजा वहाँ अपने कयाम के इब्तदाई दिनों में उनकी वालदा ने माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए एक चेक भेजा, जिसको कैश कराने के लिए वो एक दिन मुकामी बैंक चली गईं,
जहां पर कैशियर ने उन्हें ये कहकर टका सा जवाब दे दिया कि वो इस चेक को कैश नहीं कर सकता। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ तो चार्लिस थेरोन के पीछे अपनी बारी आने के मुंतजर टैलेंट एजेंट जॉन क्रॉसबे ने चार्लिस थेरोन को अपना बिजनेस कार्ड थमाते हुए ये बताया कि वो नौजवानों को एक्टिंग का मौका फराहम करते हैं और उनका एक एक्टिंग स्कूल भी काम कर रहा है। काफी कोशिशों के बाद वो 1995 में एक फिल्म हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर हॉरर फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न 3 अर्बन हार्वेस्ट में उन्हें जो किरदार दिया गया उसके कोई डायलॉग्स नहीं थे बल्कि चेहरे के तासुरात से अदाकारी करनी थी। 1996 में उन्हें हिदायतकार जॉन हिर्स्फील्ड की अमरीकी क्राइम फिल्म टू डेज इन द वैली मिल गई। इस फिल्म में उन्होंने पहली मर्तबा डायलॉग्स के जरिए फनकाराना सलाहियतों को साबित किया। वो 45 से ज्यादा फिल्मों और एक दर्जन ड्रामों में जलवागर हो चुकी हैं। उन्होंने चंद वेब सीरीज में भी काम किया जबकि 2005 में एक वीडियो गेम के लिए अपनी आवाज दी। उनकी कामयाब फिल्मों में हैनकॉक, द फैट ऑफ द फ्यूरियस, मैडमैक्स फ्यूरी रोड, बमशेल, माइटी जो यंग, ट्रैप, द यार्ड, फास्ट एंड द फ्यूरियस 9, बैटल इन सिएटल, 15 मिनट्स और द लास्ट फेस नुमाया हैं। चार्लिस थेरोन ने अदाकारी के साथ चंद फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया जिनमें स्लीप वॉकिंग, द बर्निंग प्लेन, डार्क प्लेसेस, मॉन्स्टर, एटॉमिक ब्लॉन्ड, लॉन्ग शॉट, टुले, ग्रिंजो, ब्रेन ऑन फायर और बमशेल काबिले जिक्र हैं। वो कई फिल्मी एजाजात भी अपने नाम कर चुकी हैं। उनकी मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए 100 से जायद मर्तबा नामजदगियां हुई और 39 अवार्ड्स को उन्होंने हासिल किया। वो एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, बम्बी अवार्ड, हॉलीवुड फिल्म अवार्ड, एमटीवी मूवी अवार्ड, किड्स चॉइस अवार्ड, सैटेलाइट अवार्ड, टीन चॉइस अवार्ड, गोल्डन रसबरी अवार्ड समेत दीगर एजाजात जीत चुकी हैं। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान भी उनकी फनकाराना सलाहियतों को काफी सराहा गया। 90 की दिहाई में मशहूर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट, माइटी जो यंग और द कैडर हाउस रोल्स से शोहरत की सीढ़ियों पर कदम रखने वाली चार्लिस थेरोन को ड्रामा क्राइम फिल्म मॉन्स्टर में सीरियल किलर एलन वॉर्नोस के किरदार पर ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जबकि फिल्म नॉर्थ कंट्री में जिंसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद इंसाफ की तलबगार खातून के रोल पर उन्हें दूसरी मर्तबा एकेडमी अवार्ड के लिए नामजदगी मिली। अप्रैल 2016 में उन्हें टाइम मैगजीन ने सामाजिक खिदमात और एड्स के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने के बायस दुनिया के 100 बासर अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। उन्होंने 2 बच्चे भी गोद ले रखे हैं। मार्च 2012 में उन्होंने एक लड़के जैक्सन को गोद लिया जिसके 3 साल बाद ले पालक बेटी अगस्त उनकी जिंदगी में आ गई। चार्लिस थेरोन फलाओ बहबूद के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अफ्रीका में इंसानी भलाई के कामों पर उन्हें अक्वामे मुत्तहदा की अमन सफीर नामजद किया गया। इसी दौरान वो ख्वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ भी एक मौसर आवाज बनकर उभरी। फनी कैरियर के दौरान वो बास तनाजात में भी उलझी रहीं। फरवरी 2006 में घड़ियों की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए उन पर मुकदमा दायर कर दिया। ताहम
दो साल बाद फरीकैन में मामलात तय पा गए। उनकी कई मशहूर शख्सियात के साथ दोस्ती के भी चर्चे रहे, मगर कोई भी ताल्लुक शादी तक नहीं पहुंच सका। अक्टूबर 2001 में उन्होंने अमरीकी सिंगर स्टीफन जेनकिंस के साथ अपने 3 साला ताल्लुकात का ब्रेकअप कर लिया, जबकि अगले साल फिल्म ट्रैप की अक्सबंदी के दौरान उनकी आयरिश अदाकार स्टीवर्ट टाउनसेंड से दोस्ती हो गई। ये दोनों लॉस एंजलिस और आयरलैंड में इकट्ठे भी रहे, मगर जनवरी 2010 में उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। 3 साल बाद दिसंबर के महीने में वो अमरीकी अदाकार सीन पैन के साथ डेटिंग करने लगी और दिसंबर 2014 में उन्होंने मंगनी का भी बाकायदा ऐलान कर दिया। जून 2015 में चार्लिस थेरॉन का ये ताल्लुक भी अपने अंजाम को पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।